क्षमन के लिए मुझसे इजाजत लेने आई हूँ। बाबूजी। बेटी। हाँ बाबूजी। तू बेटी नहीं हमारे
समझ के तेज करो। ठीक है राजे।
नखरा दिखाने से काम नहीं बनेगा। अच्छा समझ लो, जो शैतान सुनो जो चीज पसंद आ जाए उसे शैतान चाहिए हासिल करके छोड़ता है। शैतान सुनो चले जाएंगे। इस जमन में हम घर बनाने के लिए नहीं आए, काम हो जाए बस तुरंत। ऐसे सब नहीं डाला, चुपचाप क्या चले जाना? नहीं तो क्या होगा? नहीं तो ये बातें अपनी बाबू से बता कर। तो बाबू की ऐसी ये सदा सिंह तेरी ज्यादा बकवास नहीं सुनना चाहता और ना ही शैतान सिंह के पास इतना टाइम है कि तुझसे मुंह लगी करे। तेरे साथ क्या होने जा रहा है अपने बचाने वाले को देखता है शैतान सिंह। कौन तुझे यहाँ बचाने आता है? इससे कोई नहीं आएगा। क्या करोगी ये सब जानकर?
ये कब से हुआ है मुझे आवाज से बताइए। देवी जी नहीं नहीं आपसे मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा। देवी जी छह महीना हो औरत के पास बहुत अच्छी अच्छी दवा होती है। नहीं इसका कोई इलाज नहीं है। देवी जी इसे मत छोड़ दीजिए। अगर आप यहाँ आते तो ये बड़ी सेदार मुझे छोड़ देना। नहीं देवी जी ऐसा कभी नहीं है। बोला दिया नाम है बलवंत। बलवंत सिंह। हाँ मेरा नाम बलवंत है। बलवंत एक लकड़ी लेके भगा थी तब। मैं आपसे किसे लिया करने का मैं आपके चले ले जाऊँ। पैसा दूर ले जाऊँ बचा ले आपका बहुत बाधारी हूँ। पैसा दूरी दूरी सुनाइए। शुक्रिया देवी जी। कुष्ठ रोग 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 ठीक नहीं होगा। देवी जी इसे महात्मा का दिया हुआ सवाल कुष्ठ रोग 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 ऐसे नहीं जाएगा। देवी जी कैसे ठीक होगा दिखाऊंगी। क्या कहना चाहती है देवी जी। आपको मैं जैके पूरी गलत ये खत्म हो गया है। साथे जाए आदि खोला बस पूरा पूल खत्म हो जाए सर। आप मैं आपको आस्था क्या हाँ देवी जी मुझे भूख लगी है। देवी जी क्या हो जोरों से देवी जी आपके भूख लगी है। देवी जी आपके मैं आपको आवाज खिलाऊंगी। देवी जी शैतान सिंह वापस नहीं आया। उसने कहा था कि मैं काम पूरा करके ही तुमसे मिलूंगा। शैतान सिंह का इंतजार है तो सिर्फ बैठा भी अरे अगर मेरा काम पूरा हो गया ना तो सबको मैं लड्डू खिलाऊंगा। क्या खाओगे जौन हम तो जौन हम दोनों मिला खाई होगा खवाए हो। क्या खाओगे रसगुल्ला रस शैतान सिंह मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। मैं सोच रही थी कब कब मुझे खुशखबरी मिलेगी। जल्दी से मुझे घबराओ रहे लो खुशखबरी तुम्हें बहुत जल्दी मिलेगी। ये शैतान सिंह अचानक तुम्हारे पास आया है तो किस लिए
इसलिए तुम्हारी जो छोटी बहन मंजू है, क्या मंजू एक कोड़ी से प्यार कर रही है। बस यही बात, अगर वो शैतान से रास्ते से हट जाए तो उसके बाद तुम्हारे पिता का शैतान सिंह तो खुशखबरी तुमने मुझे सुनाया है, अब तुम देखते जाओ कि मैं मंजू के साथ क्या क्या करती हूँ। बदला लेने का अच्छा अवसर आ गया है, अच्छा मौका मिल गया है मुझे। घबरा नहीं मंजू, अगर तुझे घर से बेघर ना करवा दिया, तुझे घर से बेघर ना करवा दिया, दर दर की ठोकरें ना खिला दिया, यदि तुझसे भीख ना मंगवा दिया, तो मेरा भी अंजू अंजू सिर्फ मुझे यही इंतजार है, उसके बाद तुम्हारे पिता को इस दुनिया से दूर करना शैतान सिंह का काम है, क्योंकि शैतान सिंह और तो पे हाथ नहीं उठाता। शैतान सिंह देखिए, सबसे पहले मेरी राहों का काटा मेरी छोटी बहन है, छोटी सबसे बहन पहले उसे घर से बेघर किया जाएगा, उसके बाद पिताजी से मिलेगा, उसके बाद तुम्हारे पिताजी से मिला जाएगा। अच्छा चल रहे और इंतजार करेंगे कि तुम अपनी छोटी बहन मंजू को कैसे बेघर करो। शीघ्र यहां से जाऊंगी पिताजी के पास, पिताजी के पास जाऊंगी, पिताजी से सारी शिकायतें बताऊंगी और सारी शिकायतें बता करके मंजू अरे तुझे घर से बेघर ना करवा दिया, तुझसे भीख ना मंगवा दिया, तो मेरा भी अंजू किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। हमका का मतलब है कुछ नहीं करे से, सोच लो बेटा हमका का जरूरत बा, नहीं तो गरम कर दूंगी तुम जानी। महाराज की जय हो, जय हो द्वारपाल। हम हरीश से है हम है प्रजा के नाम की कर रही चाहिए कार, हम यही चाहते हैं कि कलवट में किसी को कोई तकलीफ ना हो। हाँ बोलो, क्या करूं, कुछ बातें ही ऐसी हैं कि आज मेरा चेहरा उदास है, और आप सुनेंगे तो आपका भी सर शर्म से झुक जाएगा। ऐसे कौन सी बात है बेटी,
कि जीवन में आज तक नागपाल से कोई नगर में नगर मिलाकर बातें नहीं करता, और आज तुम्हारी बात हम सुनेंगे तो हमारा सर नीचा हो जाए। हम उस बात को जानना चाहते हैं। ईमान समझते हैं, बहुत अकलमंद समझते हैं, सोचते हैं, आप तो सोचते हैं कि मेरी बेटी अंजू ना बिल्कुल ना समझ है और छोटी बेटी मंजू बहुत अकलमंद है, लेकिन पिताजी शायद आपकी लाडली छोटी आपकी नाक कटवा के छोड़ेगी।
मैं पेश करूंगा, ये तेरे बाप नागपाल का हुक्म और ऐलान है। ठीक है, आप जाइए, जब तक आप अपनी आंखों से नहीं देखेंगे तब तक आपको मुझ पर विश्वास नहीं होगा। कभी नहीं, क्योंकि हमारे पास दो बेटियां हैं और दोनों बेटी हमारे दोनों भुजा हैं, एक दाहिना अंग है एक बावा अंग है। हमें विश्वास, जब तक मैं अपनी नजरों से नहीं देख लेता मुझे कभी यकीन नहीं होगा। Yeah.
खाने 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 मुझे खिलाओ नहीं देवी जी ये कुष्ठ रोग आज के भी हो सकता है देवी जी नहीं बताइए तुम्हें किला Thank you.
से ऐसी कमी है। कोई कमी नहीं मेरी बाबूजी, मैंने कभी ऐसी गलती नहीं की। आज आज तेरा बाप बोल, क्या हम रियासत में सर उठा के चल पाएंगे? बोल जल्दी। मैं जिधर से निकलूंगा बोल, मेरा नाम रोशन होगा या फिर मिट्टी में मिलेगा। मैंने कोई ऐसी गलतियां नहीं किया कि आपका नाम मिट्टी में मिल जाए बाबूजी। एक जवान लड़की जब घर से बाहर जाती है तो माँ बाप को बहुत शंका होती है, क्योंकि कब ना किस पत्ते पर हवा लग जाए मालूम नहीं है। तेरी सजा है, तूने जैसा किया है उसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। मेरा ऐलान है, जिस तरह तूने एक दिन अपने पार्थिवी का दिल जीता था, मैंने तुझे बेटी नहीं अपना बेटा समझा था, और आज आज वही बेटी बेटा मिलकर के मेरा सर नीचा। जिस तरह तूने इसको अपने हाथों से खाना खिलाया है, आज से तेरे मुकद्दर का सिकंदर और तेरे भाग्य की रेखा मैं पलट दूंगा। तू अपने भाग के ऊपर जीना चाहती थी, आज तेरे भाग्य को, तेरी शक्ति को अगर मैं मिट्टी के तेरे का बदल दिया तो मेरा नाम नागपाल सिंह। चंदोलो
ریاست کو سوچت کیا جاتا ہے کہ اس ریاست میں کوئی بھی پناہ دے گا تو سجائے موت پہلے چوراہے پر پھانسی دی جائے گی۔ منجو کو گھسیٹتے ہوئے پہلے گھر لے چلے اور اس کو چل کر ادھر ابھی ہماری انجو فیصلہ کرے گی کیونکہ ہم نے انجو سے وعدہ کیا تھا کہ اگر منجو غلط کام کرتے ہوئے ملے گی تو جو تو کہے گی وہی کروں گا، تو میری بڑی بیٹی ہے، فیصلہ اس کے ہاتھ ہوگا۔ کوئی بات نہیں ہے، سب بات ٹھیک ٹھاک راجا، ٹھیک ہے انجو کہاں ہے؟ انجو انجو کہیں کہیں گئی ہوں گی گھومنے، ٹھیک ہے تم یہاں دیکھ رہے کرو، میں انجو کے پاس جاتا ہوں۔ ٹھیک ٹھیک لوگ مجھے جان چکے ہیں کہ نائب پال سنگھ کی عزت مٹی میں مل گئی ہے، اب نہ تو کنواری ہے اور نہ ہی بیاہی ہے، ہم نے اپنی طرف سے سارا کام کر دیے ہیں اور اگر اس سنگ میں جدھر سے تو جائے گی تیرے باپ کا سر ہمیشہ نیچے ہی رہے گا، اور آج تو نے سالے وفا آج ہماری خاک کر ڈالی، اور نہ رہے گا وہ پھول نہ رہے گی ڈالی، نہ وہ رہے گا باس نہ بجے گی بنسی، نہ رہے گا سابو نہ ہی میرا نام بتنا، جھکا سر آج تیرا سر ہم قلم کریں گے۔ اس کی جان بچا دو، ابھی یہ نادان ہے، اس کے ساتھ غلطیوں کو معاف کر دیجیے، اگر آپ اسے محل میں کاٹ دیں گے جان سے مار دیں گے تو پتا جی بدنامی کا کارن آپ بن جائیں گے، لوگ پوچھیں گے سوال کریں گے کس کس کا منہ بند کریں گے، آپ پوچھیں گے کہ آپ کی چھوٹی بیٹی منجو کہاں گئی، آپ کیا جواب دیں گے؟ پتا جی اس سے اچھا یہ ہوگا، اس سے بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس کی شادی کر دیجیے، اس کی شادی آپ اسی سے کر دیجیے جس کو یہ چاہتی ہے۔ واہ بیٹی واہ، آپ ہی تھالی پروس رہی ہیں اور آپ ہی بس بس کر رہی ہیں، آج ہی تو نے لگایا اور بات سچ نکلی، میں نے کچھ سوچ کر کے اسے واپس لایا ہوں، نہیں اسی کوڑھی کے ساتھ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا دیا تھا، نکل جاؤ یہاں، لیکن پتا جی اس طریقے سے بھاگا دیں گے، دونوں کو بھاگا دیں گے، کہیں بھاگ جائیں گے پھر لوگ سوال کریں گے، شادی کر کے
शादी कर दे, यहाँ से विदा कर देंगे, लोग कुछ नहीं कहेंगे, तो सोचेंगे कि महाराज ने अपनी बेटी की शादी कर दिया उसके साथ। लेकिन दूर दूर के राजाओं और महाराजाओं जब जानेंगे कि हमारी हैसियत से नहीं बल्कि एक गरीब कोढ़ी कनवज का सम्राट नागपाल को कोई राजा महाराजा घर नहीं मिला। लेकिन बाबूजी क्या इसे मेरी सलाह मानो तो इसे चुपचाप कोढ़ी की बात दे करके सीख देश निकाल कर दिया जाए। जैसी यहाँ पर इसे जो कोई पना देगा सजाए फांसी का हक होगा। ठीक है पिताजी, लेकिन वो कोढ़ी कहाँ है? वो कोढ़ी कहीं नहीं है, मैं जानता हूँ। इसके बगैर वो कहीं नहीं जाएगा, वो अपने सरोवर पर बेहोश इसकी आशा में पड़ा है। पिताजी दरबारी टप्पू उसे बुला के जाओ, कोढ़ी को ले आओ। रामजादे को घसीटते हुए घसीटते मारते लेके आना। कोहिया का आओ से जाके ले आओ, शादी करवा देना चाहिए उसकी। ओ का छुई तो नहीं मांगा पैसे हमारे हो जाए, उसे बुलाया जाए, उसको कह देना कि जब महल में महाराज ने बुलाया। ठीक 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 बदबू वे खुशबू दे रहा क्या बात है महाराज, क्या बात है। अंजू अरे बेटी बाबूजी से जल्दी निकाले यहां से। बेटी मैं जानता हूं, और यहाँ इसके जाने के बाद जमादारों को बुला करके ये सारा फर्ज तेरी भाव शक्ति तेरे कर्म बदल गए हैं। देख आज अपना नसीब दे और अपनी बड़ी बहन का देख। मैंने तुझे इस ताज और तख्त पे बैठाने वाला था ना, लेकिन जा इस सारे कीड़े गिर रहे हैं फर्श पर। देखो मंजू जाओ अपना नसीब उजमाओ, निकल जाओ। तुम्हें लेकर कहाँ जाऊँ, हमारा ठिकाना नहीं, तुम्हारा कहाँ लगेगा, मैं कहाँ लेकर जाऊँगा तुझे। अच्छा चलो जी, मैं आपके साथ चलूँगी।
سمجھو؟ ہاں بابو جی. بیٹی میرے سر میں درد ہے اور میں آرام کرنا چاہتا ہوں. درباری بابو پورے محل کی صفائی کروا دے. سکون مل گیا تمہیں, میرے کو سکون مل گا. کیوں تجھے سکون نہیں ملا؟ ہم کا آرام ہوئے گا. آرام ہو گیا اور میرے دل کو سکون ملا ہے. ابھی تو میری راہوں کا کانٹا صرف ایک ہی دور ہوا ہے, ابھی تو راہوں کا کانٹا ایک اور ہے. جب تک میں پتا جی کا سہارا نہیں کروا دوں تب تک میں سکون. اتنا جگہ کو بٹیا پیدا ہوئے دھرتی گرتے مار مر جائے. وہ کوڑھی سے پیار کر لی چلو ٹھیک ہے مار کھائے دی. اب باپوں کو مرواؤ بلا اتنا بٹیا دھرتی گرتے مار مار. دیوی جی چھوڑے مجھ کو.
कि हो सकता है आप मुझे छोड़ कर चली जाइए।
دونوں کی بربادی کو بتانے کے لیے کیا ہوا ہم انتظار کرتے ہیں تھوڑی دیر سردار سنگھ ان کے پاس خود چلے گا میرے پتا جی راج سنگھاسن پر براجے ہوئے ہیں چلو میرے ساتھ ہم دونوں مل کر کے میں اپنے پتا جی کو ہتھ کڑی پہنا کے انہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا بہت خوب دیر کرنے کا وقت نہیں ہے تم پہلو کو چلاؤ ہم اس لڑکی کے چکر میں نہیں گھوم رہے جی سردار مجھے تو صرف کنوج راج چاہیے کنوج راج شیطان سی کی نظروں میں کانٹے کی طرح چبھ رہا ہے کنوج راج شیطان سی حاصل نہیں کر لے گا تب تک چین سے نہیں بیٹھے گا ارے مہاراج یار شیطان سنگھ ڈال کر زندان میں ڈال دیا تو ہمارا نام شیطان سنگھ ہی اور اس کا نام اس کا بادشاہ کہ شیطان سنگھ لائے گا کس کی کھاٹ پکڑ کیوں کس لیے کیا کہنا نہیں مانتا کہے تھے کہ سرکار سے جو کہا کرے وہی کرا کر سارے مجھے شیطان اسی کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھانا تو یاد رکھنا اس کا نوز میں سردار سنگھ اعلان ہے کہ جب تک سردار سنگھ بولتا ہے بولتا اور شاید میرا بولنا بند ہوا تو اس کے بعد سردار سنگھ
चोर डाकू के साथ तू प्रेम कर बैठी है। बेटा जी, अब तुम्हें इस राजगद्दी पर बैठना शोभा नहीं देता है, क्योंकि राजगद्दी पर मैं बैठना चाहती हूँ, यहाँ की मालकिन मैं बनना चाहती हूँ। और आप चलिए जेल की ठंडी ठंडी हवा खाइए। एक दिन और पिताजी, मंजू के खिलाफ आपको मैंने ही भड़काया था, मंजू को घर से बेघर मैंने ही करवाया है। पिताजी दरबारी, क्या लिख रहे हो? आज मालूम हो गया है शैतान तो मेरी बेटी नहीं, आज ऐसा दिला दिया है कि तू कैसे बेटी पैदा होते ही पेटुआ दबा के मार देना चाहिए। पिताजी, उस दिन भरे दरबार में मेरा अपमान किया गया था, मेरा अपमान किया गया था, और मंजू का सम्मान किया गया था। उसी दिन से मैंने अपने दिल में ठान ली थी कि मैं बर्बाद करके छोड़ूंगी सब। तेरी भूल है और ये सोच तेरी नादानी है। और सुन, ये तेरा बाप जो कहता है ये तेरे जीवन की कहानी है। अरे आज और तक तुम दोनों के नाम तो मैं वाकई कर रहा हूँ। किसके नाम? तुम दोनों मेरे नाम। यहाँ की मालकिन बनूंगी तो सिर्फ मैं बनूंगी, इसमें मंजू का कोई हिस्सा नहीं है। अब तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगा। और सुन, जब तक मैं सिग्नेचर नहीं करूंगा, सिग्नेचर तब तक तेरे नाम कुछ सिग्नेचर तो आप करेंगे। अरे जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी भी करनी आती है मुझे। मैं जानता हूँ फुटकी की औकात कितनी बड़ी होती है। और बार बार ले चलो शैतान सिंह, आज तुम्हारी बदौलत मुझे राज सिंहासन मिल गया। मैं राज सिंहासन की मालकिन बन गई, पूरे नगर की मालकिन बन गई मैं। बहुत क्यों नहीं, लेकिन अब क्या होना है? क्या होना? महाराज तो महाराज जेल में है। जेल में मेरा दिल कहता है कि अभी उन दोनों का पता लगाया जाए। उन दोनों का पता लगा उस नगर में है कहा? हाँ। अरे उन दोनों का पता लगा करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए। हाँ। अरे उन पर इतना बड़ा जुल्म करो, इतना बड़ा जुल्म करो कि देखने वालों की रूह कांप जाए। तुम सोच रही हो कि मालकिन एक दिन अंजू बनेगी, यही सोच रही है। लेकिन ये सपना अंजू का साकार नहीं होगा, क्योंकि इस कन्नौज राज पे नजर कड़ी है शैतान सिंह की। ये कन्नौज राज शैतान सिंह अपनी मुट्ठी में लेकर रहेगा। देखना अंजू तेरे साथ शैतान सिंह क्या करता है। चलते राम जी के खुरपा से सब काम हो रहा है।
آج ہی پروان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ ان دونوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ جواب پہلے